हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉल क्लासेस। स्टूडेंट, आज की ये वीडियो बीएससी जर्नल स्टूडेंट्स के लिए है, जो बीएससी जर्नल स्टूडेंट्स हैं और जिनका कोर्स है BCHCT 131। बीएससी जर्नल स्टूडेंट्स के लिए ये आज की वीडियो है। ब्लॉक नंबर 1 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें यूनिट 1 है बोहर्स थ्योरी। इसमें हम डिस्कस करेंगे बोहर्स के अकॉर्डिंग जो पोस्टुलेट्स दिए गए थे रिगार्डिंग टू एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड वेरियस थ्योरीज, उसके बारे में इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में आ जाते हैं। ये बोला गया है कि बहुत मतलब जो काफ़ी साल पहले एटम्स के बारे में डिस्कवरी हुई थी, उस टाइम एटम को लेके बहुत सारी थ्योरीज आई थी। उनमें कुछ थ्योरीज जो थी वो वैलिड थी, एग्जिस्ट कर रही थी, और उनको आगे फिर मॉडिफाई किया गया और उन्हीं एक्सपेरिमेंट को दोबारा मॉडिफाई करके एटम एंड उसके रिगार्डिंग वेरियस एटॉमिक मॉडल्स दिए गए। और इसी इंट्रोडक्शन के पार्ट में यही बताया गया है कि हम इस यूनिट में वेरियस एटॉमिक मॉडल्स एंड उसके रिगार्डिंग जो एटम्स हैं उनके रेडियस, एनर्जी एंड के स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक मॉडल्स, जो वर्ड है एटम वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड था एटोमोस, एटोमोस से लिया गया है, जिसका मतलब है अनकट और इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब कि वो छोटे से छोटा मैटर का वो पार्ट जिसे डिविजिबल, जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसे एटम बोला गया। इसके रिगार्डिंग डॉल्टन, सबसे पहले जो डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी आई थी उसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स। डाल्टन ने बोला कि जो मैटर है वो छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल्स, वो पार्टिकल जिसे फर्दर डिवाइड ना किया जाए, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है, और वो छोटे पार्टिकल्स क्या कहलाए? एटम्स। ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, मीन्स किसी भी एलिमेंट, अगर कोई एक एलिमेंट, सपोज ए एलिमेंट है, तो उसके जितने भी एटम्स होंगे वो सारे सेम होंगे, मतलब कि आइडेंटिकल होंगे। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मासेस, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनमें एटम्स भी डिफरेंट होंगे और उनके मासेस भी डिफरेंस होंगे। अगर एक एलिमेंट है उसमें जितने भी एटम्स हैं वो आइडेंटिकल होंगे, उनके मास सेम होंगे। लेकिन अगर दो एलिमेंट डिफरेंट हैं, सपोज ए एलिमेंट दूसरा बी एलिमेंट, ए एलिमेंट के जो एटम्स होंगे और बी एलिमेंट के एटम्स होंगे, इनका सबका जो एटम्स का मास होगा वो डिफरेंट होगा और आइडेंटिटी भी डिफरेंट होगी। अ कंपाउंड इज अ स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एलिमेंट, इसका मतलब अगर वन एलिमेंट इज कम्बाइन बाय अदर एलिमेंट इट इज फॉर्म्ड कंपाउंड, देन कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, जो केमिकल रिएक्शन है उसमें हम एटम को क्रिएट नहीं कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन इनको क्या कर सकते हैं, एक सब्सटेंस में से ट्रांसफर करके दूसरे सब्सटेंस में डाल सकते हैं जिससे नए सब्सटेंस बनेंगे। तो नेक्स्ट बताया गया है डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी सजेस्टेड दैट एटम इज इंडिविजिबल, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें यही बताया गया है कि जो डॉल्टन ने बताया कि एटम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन कुछ डिस्कवरीज हुई थी जिससे ये पता चला कि एटम भी फर्दर डिवाइड हो सकता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो अभी उसको बताने के लिए कैसे वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हमने लोअर क्लासेज में पढ़े हैं कि उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, वो पार्ट आपकी बुक आपके सिलेबस का नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन इनके जो डिस्कवरी थी उसके बाद ये बताया गया था कि थॉमसन के द्वारा कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो एटम में किस तरह से डिवाइड हुए पड़े हैं, मतलब वो कैसे डिस्क्राइब हैं, वो उनकी लोकेशन क्या है, वो बताया गया बाय द थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल भी इसे बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द थॉमसन बताया गया कि ये इसमें जो एटम है इट इज अ स्फीयर,
जिसमें पॉजिटिव चार्जेस पड़े हैं, एम्बेडेड है विद इलेक्ट्रॉन्स विद नेगेटिव चार्जेस, ऐसे हैं जैसे कि प्लम पुडिंग हो. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले सकते हैं केक में जैसे रेजिन्स होते हैं, केक इज इट इज अ स्फीयर ऑफ केक इज अ सरफेस ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस एंड रेजिन्स आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स. तो इस तरह से जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस पड़े हैं. तो यहाँ पे देखिए डायग्राम बनाई गई है, एक सफियर है एक जिसमें जो पॉजिटिव चार्जेस हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस एम्बेडेड हैं. तो नेगेटिव चार्जेस को इलेक्ट्रॉन बोला गया. और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट करे हैं. ही प्रपोज दैट एटम इज अ सफियर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विच हैव इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन सच अ वे दैट प्लम पुडिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल. अभी उससे उसके बाद एक अल्फा स्कैटरिंग मॉडल जो रदरफोर्ड की हेल्प से ये डिफाइन किया गया, क्या है कि इसमें अल्फा स्कैटरिंग मॉडल में अल्फा पार्टिकल्स लिए गए. अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए. अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है जिसके जिस एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज हो उसमें दो यूनिट टू यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज होता है एंड उस फोर यूनिट्स मास. इसका मतलब वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर टू हो एटॉमिक मास फोर हो उस एलिमेंट को अल्फा पार्टिकल बोला जाता है. फॉर एग्जांपल हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर टू एंड मास इज फोर. अल्फा पार्टिकल इमिटेड बाय कहाँ से आते हैं, फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम पोलोनियम. तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट से. इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले बात करेंगे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे. उसके बाद ली गई थिन गोल्ड फॉयल. ये गोल्ड फॉयल गोल्ड की ही क्यों ली गई, क्योंकि इट इज़ वेरी थिन एंड इट कैन ईजिली पेनिट्रेट द पार्टिकल्स. तो उसके बाद यहाँ पे देखिए एक पूरा ये लिया गया, दिस इज द मोस्ट यहाँ पे जो स्क्रीन यहाँ पे ली गई, दिस इज अ सर्कुलर स्क्रीन जिससे हम ये देखेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्कैटरिंग या फिर जो रिजल्ट ऑब्जर्वेशन होगी जो एक्सपेरिमेंट की वो हमें यहाँ से सर्कुलर स्क्रीन से नोट करेंगे. तो इसमें होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन ये जो अल्फा पार्टिकल्स इमिट हुए थे फ्रॉम द सोर्स, देन क्या हुआ वो अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करे किससे, थिन गोल्ड फॉयल से. उससे क्या हुआ कि कुछ जो ऑब्जर्वेशंस में क्या पता चला कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे वो जो थिन गोल्ड फॉयल है उसे पास आउट कर गए थे, और कुछ एलिमेंट्स कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट करे थे, वो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है आपको स्मॉल एंगल से. ये जो पॉइंट्स दिखाए गए हैं वो पास आउट कर गए हैं ईजिली जो अनडिफ्लेक्टेड थे. यहाँ पे देखिए कुछ पार्टिकल्स थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर गए, लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी थे, बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो बिल्कुल स्ट्राइक करके वापस उसी एंगल में वापस आ गए थे, मतलब 180 डिग्री में वापस आ गए थे. तो इस ऑब्जर्वेशन को मैंने पॉइंट्स में नोट किया है. वेन फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स फॉलो टू स्ट्राइक अ वेरी थिन गोल्ड फॉयल इन वैक्यूम, देन इट इज फाउंड दैट बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स थे वो जो स्ट्रेट पास आउट हो गए थे थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मतलब अनडिफ्लेक्टेड. तो कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट तो हुए लेकिन एट अ वेरी स्मॉल एंगल, एंड कुछ बहुत ज़्यादा लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए. लेकिन बहुत कम अ वेरी फ्यू पार्टिकल्स ऐसे थे जो कम्प्लीटली रीबाउंड ऑन हीटिंग द गोल्ड फॉयल एंड टर्न बैक ऑन देयर पाथ, मतलब 180 डिग्री में पास क्या हो गए थे वो डिफ्लेक्ट कर गए थे. यहाँ पे देखिए एक और डायग्राम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया गया कि अल्फा पार्टिकल्स कैसे जो गोल्ड फॉयल है उसमें भी एटम्स होंगे, उनके एटम्स में भी देखिए पॉजिटिव यहाँ पे जो ये आपको दिखाए गए हैं ये एटम्स ये गोल्ड थिन फॉयल के हैं. तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्ट जो है पास आउट हो गए, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ बिल्कुल ऐसे ही 180 डिग्री पे ये जो थे 180 डिग्री में रीबाउंड हो गए थे. तो इससे हमें क्या पता चलता है, कुछ ऑब्जर्वेशन जो हैं इससे ये पता चलता है कि जो अल्फा पार्टिकल्स इजीली पास आउट हो गए थे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, इसका मतलब ये है कि जो एटम है उसमें बहुत सारी स्पेस एम्प्टी है, बहुत सारी स्पेस खाली पड़ी हुई है. लेकिन कुछ जो ऑब्जर्वेशन ये भी थी कि कुछ पार्टिकल्स स्मॉल और लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए थे, उससे हमें क्या पता चला
ये ऑब्जर्व किया गया कि इसमें कुछ एटम में कुछ ऐसा डेंस मटेरियल है जिसकी वजह से जिससे टकरा के या फिर जिससे थोड़ा सा भी क्लोजली पास आउट होते हुए जो एंगल है वो डिफ्लेक्ट कर गया, जो बिल्कुल ही वापस रीबाउंड हो गए थे 180 डिग्री से। उससे ये पता चला कि क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो कोई ऐसा एटम में कुछ ऐसा डेंस पॉजिटिव चार्ज मटेरियल है जिससे क्या हुआ कि वो पॉजिटिवली चार्ज स्ट्राइक किए, ड्यू टू सेम चार्जेस वो रीबाउंड हुए, स्ट्राइक हुए और वापस अपने पाथ में ही वापस रीबाउंड हो गए। तो इससे हमें ये पता चला कि एटम में बहुत सारी स्पेस खाली है और इसमें कुछ ऐसी डेंस पार्टिकल्स हैं, एरिया है जिसमें जो पार्टिकल्स है वो स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्ट हो गए और इसी डेंस की वजह से जिसमें पार्टिकल्स हैं उसकी वजह से रीबाउंड भी हुए। तो इससे क्या पता चला, इससे क्या ओरिजिनेट हुआ, यहाँ पे डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की, मतलब कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से क्या हुआ न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। तो यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग कुछ पोस्टुलेट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। मॉडल नोन एज न्यूक्लियर मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। विच इज कंसिस्टेड ऑफ अ न्यूक्लियस एट अ सेंटर विद नेगेटिव पार्टिकल सराउंडेड इट, मतलब के जो एटम है उसके सेंटर में पॉजिटिवली चार्जेस से भरा हुआ न्यूक्लियस है और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन जिसपे कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होल्ड द एटम टुगेदर, मतलब कि जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, तो प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है और जो उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं द सर्कुलर ऑर्बिट वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दीज आर द ऑपोजिट चार्जेस, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन है जिसकी वजह से जो एटम है न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा अपनी तरफ खींच के रखता है जिससे पूरा एटम जो है वो रीबाउंड हुआ है, वो एटम जो न्यूक्लियस है उसे एटम ने एटम के द्वारा वो होल्ड किया हुआ है, मतलब न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा है विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो एटम है इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब उस पर एटम पे कोई चार्ज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे एटम में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे इन द एटम। मोस्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस मीन्स कि एटम में बहुत सारी स्पेस खाली है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें कुछ खामियां थी, मतलब के ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, वो डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स, अगर कोई चार्ज पार्टिकल अंडरगोज एक्सेलरेटेड मोशन, अगर एक्सेलरेटेड मोशन में हो, मतलब के जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है इन द सर्कुलर ऑर्बिट, वो एक्सेलरेट मोशन होगी, अगर उसकी एक्सेलरेट मोशन होगी तो उसे कुछ ना कुछ एनर्जी लूज करनी चाहिए, इट मस्ट रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली। अगर ऐसा है इट विल मीन दैट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इट शुड ऑल्सो इन एक्सेलरेटेड मोशन एंड शुड लूज द एनर्जी कंटिन्यूसली, तो एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीज ग्रेजुअली, मतलब अगर वो एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज लूज कर रहा है तो उसकी एनर्जी तो कम होती जाएगी, अगर एनर्जी कम होती जाएगी तो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस वुड बी ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग, मतलब कि डिस्टेंस जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का है वो भी डिक्रीज करता जाएगा। अगर डिक्रीज करता जाएगा जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, न्यूक्लियस के पास आता जाएगा इन द स्पाइरल फॉर्म, मतलब वो एक्सेलरेटेड होता होता और एनर्जी को लूज करता हुआ वो न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, और क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस भरे हुए हैं, तो क्या करेगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस टाइम पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा न्यूक्लियस में ही फॉल कर जाएगा ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। दोबारा मैं आपको समझा देती हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है
वो एक्सेलरेटेड मोशन में है अराउंड द न्यूक्लियस. अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इसकी एक्सेलरेटेड मोशन है तो इसे एनर्जी लूज करती रहनी चाहिए कॉन्टिन्यूसली. अगर ऐसा है तो उसकी एनर्जी लूज होती जाएगी और वो क्या आएगा, न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, जिसकी वजह से इनका डिस्टेंस कम होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता इसके बीच में ही फॉल कर जाएगा इन द न्यूक्लियस. तो अगर ऐसा है तो ये तो इसकी ड्रॉबैक हो गया. द इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड मोर स्ट्रांगली बाय द ऑपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस एंड दे विल कम मोर एंड मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इन टू द न्यूक्लियस बाय टेकिंग स्पाइरल पाथ एज शोन इन एग्जाम्पल. आफ्टर द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम, नील बोहर ने एक्सप्लेनेशन दी थी बाय यूजिंग द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को ही यूज करके नील्स बोहर ने एक्सप्लेन किया था इसी ड्रॉबैक को. द इलेक्ट्रॉन कुड रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन ओनली सर्टन ऑर्बिट हैविंग डिफरेंट रेडियस. मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा लेकिन विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी. When electron is revolving in around the nucleus, the electron does not radiate energy, even though it has accelerated motion around the nucleus. तो energy वो lose नहीं करेगा, उसकी particular orbit में energy same होगी. और अगर जैसे जैसे उसका distance means डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस चेंज होता जाएगा, उसकी एनर्जी भी चेंज होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहेगी. तो इसके बाद हम पढ़ेंगे बोहर्स पोस्टुलेट्स. बोहर पोस्टुलेट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल. एन इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ डेफिनेट एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी. मतलब जो इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करेगा वो डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम एज वेल एज एनर्जी पर्टिकुलर रहेगी जो हमने अभी बात करी. और इन ऑर्बिट्स को क्या बोला जाएगा, स्टेशनरी स्टेट. स्टेशनरी मीन्स विच हैव पर्टिकुलर नॉट मूविंग पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट. द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी व्हेन इट इज एन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट मीन्स इन एन अलाउड ऑर्बिट्स. जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा अगर वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में है, वो अभी हम बात कर चुके हैं. वाइल इन एन ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला है एम वी आर. देन दिस मोमेंटम इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई यूनिट्स, वेयर एच इज इट इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. इंटेग्रल मल्टीपल होगा मीन्स के जो एच बाय टू पाई यूनिट है, अगर उसके कितने नंबर ऑफ एन नंबर्स ऑफ मल्टीपल होंगे, यहाँ पे एन की वैल्यू होगी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. यहाँ पे अगर वन ऑर्बिट है, यहाँ पे अगर एन इज इक्वल टू वन है, दैट मीन्स जो शेल है फर्स्ट शेल है. अगर एन टू है तो इसका मतलब है सेकेंड सब शेल है. मतलब कि ऑर्बिट्स का नंबर यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा. सो जो मोमेंटम है इट इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय 2 पाई यूनिट्स, वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर इज द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज ईच स्पेक्ट्रल लाइन इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन. जो स्पेक्ट्रा है उस पर हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन होगी. और ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफरेंट होगा. जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तो रेडिएशन ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड. मतलब जो रेडिएशन है वो या तो एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी. अगर इलेक्ट्रॉन जो है लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जाता है तो वो हायर ऑर्बिट में जाएगा तो क्या वो क्या करेगा, एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. अगर वो अपर ऑर्बिट्स हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, लूज होगी. मींस की एनर्जी वो रेडिएट करेगा. और फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय डेल्टा ई, चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई इज एच न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी. इट इज इक्वल्स टू एच सी न्यू बार. नाउ व्हाट आर दीज टर्म्स, c is the velocity of light
एंड न्यू बार इज द वेव नंबर। ये फॉर्मूला आपकी बुक में एज इट इज गिवन है, लेकिन इसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है दिस इन द वेव फॉर्म, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है न्यू फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा वेयर इज इज द वेव लेंथ। हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं सी इंटू वन बाय लैम्डा, क्योंकि जो वन बाय लैम्डा है उसका फॉर्मूला है न्यू बार, इट इज अ वेव नंबर। इसका मतलब यहाँ पे वन बाय लैम्डा वैल्यू में हम क्या पुट कर सकते हैं सी न्यू, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे न्यू इज इक्वल्स टू सी न्यू। ये जो न्यू की वैल्यू है हम इस इक्वेशन में अगर पुट करें तो क्या आंसर आएगा एच सी न्यू बार। इसका मतलब है ये जो आपकी बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका ये जो है रीजन है कि ये कैसे इसकी वैल्यू आई। तो ये थे बोहर एटॉमिक मॉडल के रिगार्डिंग पोस्टुलेट्स। नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले आपकी बुक में क्वेश्चन है सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज्ड बाय थॉमसन एंड रदरफोर्ड। तो ये जो अभी हमने जो फर्स्ट टू मॉडल्स किए थे प्लम पुडिंग मॉडल और जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का मॉडल था, वही जो हमने पोस्टुलेट्स किए यही इसका डिफरेंस है। तो आप इसको मैंने इसीलिए दोबारा नहीं लिखा क्योंकि ये जो पोस्टुलेट्स है यही इनका डिफरेंस है, तो आप इजीली मेरे नोट से इनका डिफरेंस लिख सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट का जो रेडियस है अभी हम डेरिवेशन के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे। सपोज कीजिए कि एक एटम है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एंड आउटर ऑर्बिट का जो डिस्टेंस होगा आर है, क्योंकि जो एटम है इससे हम मान रहे हैं स्फीयर लाइक अ सर्कल, तो जो सेंटर से जो आउटर मोस्ट सर्कमफ्रांस जो डिस्टेंस है इट इज नोन एज रेडियस, दैट इज व्हाई आई हैड राइट इट एज आर। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, मतलब बोहर थ्योरी से हम स्टार्ट करेंगे, उसके पोस्टुलेट से स्टार्ट करेंगे और हम फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी अभी हमने इसके पोस्टुलेट्स में पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय टू पाई यूनिट, सो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर वन। द अट्रैक्टिव फोर्सेज जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है इट शुड बी इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब कि क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और उसका जो पॉइंट है वो डायरेक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स उसमें क्या जनरेट हो रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज, और इट शुड ऑपरेटिंग इन ओपोजिट डायरेक्शन। मीन्स अगर अट्रैक्टिव फोर्स को मैं लिखूँ एफ ए मीन्स अट्रैक्टिव, इट इज इक्वल टू ओपोजिट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सी मीन्स सेंट्रीफ्यूगल, सो एफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ सी, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। एफ ए अभी हम क्या करेंगे इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। एफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, क्योंकि अभी हमने फिजिक्स में भी लास्ट क्लासेस में लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस, स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। सो फॉर्मूला क्या हुआ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रॉन है उसमें नेगेटिव चार्ज है दैट इज वाई मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा माइनस ई, मल्टीप्लाई बाय दूसरा चार्ज क्या है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज पड़े हैं तो उसमें क्या लिखा हमने जेड ई विद पॉजिटिव साइन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे 1/4πε0, इट इज वेरी इजी क्योंकि हमने प्लस टू में ये पढ़ चुके हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। अब हमने अट्रैक्टिव फोर्स फाइंड कर लिया, अभी हमने करना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आपको फॉर्मूला पता होगा, दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर फोर। अभी इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर एफ ए एंड एफ सी की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर टू में, एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ सी में। एफ ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी, एफ सी की पुट करी, नेगेटिव साइन इज कैंसिल आउट बाय नेगेटिव साइन, तो हमारे पास क्या आ गया एम वी स्क्वेयर, यहाँ पे आर इज कैंसिल आउट बाय आर, तो फॉर्मूला क्या हुआ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वेयर अपॉन 4πε0 आर, दिस इज इक्वेशन नंबर फाइव। फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, जो इक्वेशन नंबर वन है ये आपको यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, इक्वेशन नंबर वन इज एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। अगर यहाँ से जो v वैल्यू है हम फाइंड करें को क्या आएगा एन एच बाई टू पाई, एम और आर इसके नीचे आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, यही देखिए फ्रॉम v
फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन v इज इक्वल टू एनएच बाय टू पाई एम आर. इस इक्वेशन को मैंने ऐसे क्यों लिखा, ताकि मैं जो लास्ट इक्वेशन थी एम वी स्क्वायर उसमें भी वैल्यू पुट कर सकूं. इस इक्वेशन में मैं v की वैल्यू पुट करूंगी. तो मैंने जैसे पुट करा, सबसे पहले मुझे पता है कि वहां पे एम वी स्क्वायर है, तो मुझे यहाँ पे जनरेट करना होगा एम वी स्क्वायर. सबसे पहले मैं v का क्या करूंगी, स्क्वायर, तो स्क्वायर बोथ साइड करूंगी. इसलिए मैंने यहाँ पे किया स्क्वायर बोथ साइड, तो दोनों टर्म्स में स्क्वायर हुआ. उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एम वी स्क्वायर. वी स्क्वायर हो गया, अभी मुझे मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड बाय एम. तो एम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, वैल्यू मेरे पास जो जनरेट हुई वो मैं उस इक्वेशन में पुट करूंगी. इक्वेशन नंबर जो थी फिफ्थ इक्वेशन नंबर, इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगी. अभी जब मैंने इक्वेशन वैल्यू इसमें पुट करी, तो देखिए कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं. फोर इज कैंसिल आउट बाय फोर, पाई इज ऑल्सो कैंसिल आउट बाय पाई स्क्वायर, R इज कैंसल आउट बाय R स्क्वायर. तो मेरे पास क्या बचा, जेड ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम आर. यहां से मैं R वैल्यू जो फाइंड करूंगी, दिस इज माय रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ये मुझे फाइंड करना था. दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस डेरिवेशन. इसके रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, न्यूमेरिकली हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट. फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का मतलब है न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट ऑर्बिट आएगा उसका हमें रेडियस फाइंड करना है आर वन, क्योंकि आर एन, एन इज इक्वल टू वन है तो आर वन फाइंड करेंगे. वेन एन इज इक्वल टू वन फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू वन है. तो हमें फॉर्मूला पता है, हम इस वैल्यू में सारी वैल्यू से पुट करेंगे. क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट है तो एन वैल्यू क्या हो जाएगी, वन. एप्सिलॉन नॉट वैल्यू हमें पर्टिकुलर वैल्यू पता है, हम लोअर क्लासेज में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम मैं दोबारा आपको बता देती हूँ. 8.854 इंटू 10 इज टू पावर 12. जेड इज प्लैंक कॉन्स्टेंट विच हैज वैल्यू 6.626 इंटू 10 इज पावर माइनस 34. पाई वैल्यू 3.142. एम इज मास, किसका मास, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.109 इंटू 10 इज पावर माइनस 31 किलोग्राम. जेड इज एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज वन, दिस इज ई चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 इज पावर माइनस 19. अभी मैंने क्या करा, इस टर्म को अभी मैंने इसके एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी वैल्यू एज इट इज लिख दी. उसके बाद मैंने क्या करा, नीचे जो मल्टीप्लाई करा उसको मैंने क्या करा, इस वैल्यू और इस वैल्यू और इसके एक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया. उसके बाद ऊपर मल्टीप्लाई करके मैंने और नीचे दोनों को सॉल्व किया. जब आप इसको कैलकुलेटर के साथ या आप सॉल्व करके मैच कर सकते हो, तो उसके बाद मेरे पास जो आंसर आया वो आया 53.02 इंटू 10 इज पावर माइनस 12. अगर राउंड ऑफ करें तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ रही है 53 इंटू 10 इज पावर माइनस 12 मीटर. ये आंसर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 इज टू पावर माइनस 12 मीटर क्या होता है, 1 पिकोमीटर. तो मैं इसको 53 पिकोमीटर भी लिख सकती हूँ. तो दोनों आंसर मेरे सही हैं. नेक्स्ट आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, जब हमने अभी एग्जांपल के साथ सॉल्व किया सेम ऐसा ही क्वेश्चन है. कैलकुलेट रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ एन हाइड्रोजन, सेकेंड ऑर्बिट के लिए फाइंड करना है. अभी सेकेंड ऑर्बिट है तो यहाँ पे एन वैल्यू क्या होगी, 2, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है उसका एटॉमिक नंबर होगा 1. सारी वैल्यू सेम है, जहां पे एन है वहां पे आप 2 पुट करेंगे, जेड की जगह 1 पुट करेंगे, बाकी सारी वैल्यू सेम. जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा. आप खुद के बिहाफ पे भी आप आंसर सॉल्व करके देख सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट. मीन्स अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उनमें जो रेडियस है वो क्या है. न्यूमेरिकल वैल्यू हमने सॉल्व करी, डेरिवेशन भी सॉल्व करी, उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया. अभी है एनर्जी, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी पर्टिकुलर एनर्जी क्या होती है. सो टोटल एनर्जी क्या होती है, उसकी पोजिशन की वजह से या फिर उसकी मूवमेंट की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. सो टोटल एनर्जी ई एन, ई एन मीन्स पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए, इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड इट इज द एनर्जी ऑफ मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो इक्वेशन नंबर वन. अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, दोनों का सम करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो हमें फाइंड करना है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन.
पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वर्क डन फॉर टू ब्रिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट. पर्टिकुलर पॉइंट क्या है? आर, डिस्टेंस आर. तो इन्फिनिटी से लेकर आर तक जो इलेक्ट्रॉन को लेके आने के लिए वर्क डन होगा, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. तो ये जो डेफिनेशन है, इट इज सिमिलर टू अट्रैक्टिव फोर्सेज. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हम लिमिट्स क्या लेंगे, फ्रॉम आर टू इन्फिनिटी टू आर, और फोर्सेस क्या होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस विद रिस्पेक्ट टू आर, डी आर, एफ ए डी आर. जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसका हमने जो वैल्यू है लास्ट डेरिवेशन में हमने फाइंड किया है, वही वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे. सारी वैल्यूज जो हैं हम बाहर लिखेंगे, जिसके विद रिस्पेक्ट करेंगे उसको सिर्फ अंदर लिखेंगे, वन बाय आर स्क्वायर. तो वन बाय आर स्क्वायर का हमें डेक्रेशन फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, पावर आर नेगेटिव टू. तो इसके लिए इंटेग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, आपने लोअर क्लासेस में सीखा होगा, एक्स एन डी एक्स हो तो हम इंटेग्रेशन कैसे करते हैं, पावर में वन ऐड हो जाता है और नीचे डिनोमिनेटर में भी सेम एन प्लस वन हो जाएगा. तो इसमें क्या होगा, आर माइनस टू, दिस इज एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, माइनस टू प्लस वन दिस इज माइनस वन, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस वन. अब हम लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो सबसे पहले मैंने अपर लिमिट पुट करी, फिर लोअर लिमिट, वन बाई इनफिनिटी इज इक्वल टू जीरो. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय आर, माइनस साइन इज कैंसल आउट बाय माइनस साइन. तो ये मेरे पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी. अभी मुझे फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री. इन वैल्यूज को मैं इक्वेशन नंबर वन में पुट करूंगी, क्योंकि इसका मुझे टोटल एनर्जी फाइंड करना है. तो मैंने एन में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मैंने पुट कर दी. अभी इसमें अगर क्योंकि हमें ये पता है लोअर जो लास्ट डेफिनेशन हमने की थी उसमें हमने एम वी स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व की थी, जिसका फॉर्मूला, जिसकी वैल्यू है जेड ई स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या करेंगे, मतलब दोनों साइड वन बाय टू से मल्टीप्लाई. तो यहां पे क्या आ जाएगा, एट, यहां पे क्या आ जाएगा, टू. सो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर फोर्थ में पुट करूंगी, इस इक्वेशन में, इसमें वैल्यू मैं पुट करूंगी. जब मैंने इसमें पुट करा तो देखिए मैं यहां पे क्या करूंगी, अभी सॉल्व करूंगी एलसीएम लेके. एलसीएम लेके जब मैंने सॉल्व किया, मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर फाइव. ये जो वैल्यू है, दिस इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन पर्टिकुलर ऑर्बिट. तो हम दोबारा देख लेते हैं, सबसे पहले हमने क्या करा, दिस इज द एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. मुझे इन दोनों की वैल्यूज चाहिए, सबसे पहले मैं फाइंड करूंगी पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज लाइक अट्रैक्टिव फोर्सेज टू पर्टिकुलर डिस्टेंस आर. तो मैंने अट्रैक्टिव फोर्सेज का फॉर्मूला लिया, उसका इंटेग्रेशन सॉल्व करा, जो मेरे पास फॉर्मूला आया. उसके बाद मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर. अब मैंने इस वैल्यू को, टोटल एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा. उसके बाद मैंने देखा कि एम वी स्क्वायर के लिए एक फॉर्मूला है जो हमने लास्ट रेडियस ऑफ ऑर्बिट की डेरिवेशन में पढ़ा था, और मुझे क्योंकि इसकी वैल्यू पुट करनी है ताकि मैं इसे सॉल्व कर सकूं, मतलब इजी वे में, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकूं, क्योंकि तो इसलिए मैंने क्या करा, एम वी स्क्वायर अपॉन टू की वैल्यू चाहिए. तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है, तो हाँ, इसका जब मैं दोनों साइड वन बाय टू से मल्टीप्लाई कर दूंगी, एम वी स्क्वायर बाय टू की वैल्यू आ जाएगी. ये मैंने यहाँ पे पुट करी, एलसीएम लेके जो सॉल्व किया, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. पुट द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम रेडियस ऑफ ऑर्बिट. इसमें जो अगर r की वैल्यू है, ये अगर मैं r की वैल्यू जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट में फाइंड करी थी उसमें अगर मैं पुट करूंगी, तो मेरे पास कुछ कैंसिल आउट हो रही हैं वैल्यूज. पाई इज कैंसिल आउट बाय पाई, एप्सिलॉन नॉट इज कैंसिल आउट, एंड सॉरी उसके बाद मेरे पास जो रिजल्ट आएगा, माइनस जेड स्क्वायर ई फोर एम बाय एट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, एन इज द पर्टिकुलर ऑर्बिट. यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है. तो इसमें कुछ वैल्यूज जो है कांस्टेंट है, वो हम पुट करेंगे इसमें. यहाँ पे देखिए उसमें पुट करेंगे वैल्यू एन, अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए पुट करना हो या कोई पर्टिकुलर एन के लिए, तो हाइड्रोजन एटम है तो उसका एटॉमिक नंबर वन है, वन स्क्वायर. यहाँ पे ई फोर है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एम मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, एन मैं पुट नहीं करूंगी. जब इन न्यूमेरिक वैल्यू को सॉल्व करा तो मेरे पास क्या आंसर आया, माइनस
यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ये माइनस बाहर है. नेगेटिव 2.178 इंटू 10^-18 अपॉन एन स्क्वेयर जूल. तो ये मेरे पास जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन एटम के लिए है इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट. आपकी बुक में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एनर्जी वैल्यू आपको फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन के लिए एट एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी. एन इन्फिनिटी है, यहाँ पे आप वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे. समथिंग बाय इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में है तो 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0. तो ये मेरे पास इन्फिनिटी की जो एनर्जी है वो क्या आ जाएगी, 0. नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम एंड बोहर्स थ्योरी. बोहर्स थ्योरी के रिगार्डिंग हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेक्ट्रा, जो लाइन स्पेक्ट्रा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. जब गैसेस ऑफ केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस इन गैसियस फॉर्म में जब उसे हीट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी मींस लाइट प्रोड्यूस होती है. जो लाइट प्रोड्यूस होती है अगर उसे हम प्रिज्म के थ्रू पास करवाएं, मींस जब गैसियस फॉर्म ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस इज हीटेड तो लाइट प्रोड्यूस होती है. जो लाइट इमिट होती है जब हम उसे पास करवाते हैं थ्रू द प्रिज्म तो क्या आता है, लाइन स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस, लाइन स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होता है. और ये लाइन स्पेक्ट्रा हर एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा. ईच एलिमेंट इज यूनिक, सब एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट होगा. एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट स्पेक्ट्रल लाइंस अकर डिस्क्रीटली, मींस हर एटम के जो एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उसका जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है वो लोअर फ्रिक्वेंसी टू अप टू हायर फ्रिक्वेंसी में हम देख सकते हैं. क्या है आपकी यहाँ पे बुक, आप देख सकते हैं इसमें डायग्राम बनाई है जिसमें ये लाइन स्पेक्ट्रा दिखाया गया है. दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. यहाँ पे देखिए लोअर फ्रिक्वेंसी से लेकर यहाँ पे हायर फ्रिक्वेंसी तक डेटा दिया गया है, जिसमें देखिए लोअर फ्रिक्वेंसी में इंफ्रारेड रीजन में ये एक स्पेक्ट्रा मिल रहा है. यहाँ पे देखिए जो 0.5 से अपर वैल्यू है वहां पे हमें विजिबल रीजन मिल रहा है. विजिबल रीजन में ये लाइन स्पेक्ट्रा गिवन है. और आगे देखिए यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रीजन में, तो जो यहाँ पे IIR रीजन है उसके अकॉर्डिंग सीरीज को डिफ्रेंशिएट किया गया है. पास्चन सीरीज, बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे. ये जो लाइन स्पेक्ट्रा है जो विजिबल रीजन में यहाँ पे शो किया गया है उस सीरीज को क्या बोला गया है, बाल्मर सीरीज. दिस सीरीज इज नोन एज बाल्मर सीरीज. और उसके लिए एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है न्यू बार, दिस इज वेव नंबर. अभी हमने डिस्कस किया था कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ विच इज इक्वल टू आर 1/2² माइनस 1/n². इट हैज फॉर्मूला, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. इसमें जो आर है इट इज अ कॉन्स्टेंट, इट इज नोन एज रीडबर्ग कॉन्स्टेंट, जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है 1.097 × 10^7 मीटर इनवर्स. जो एन है इट इज द क्वांटम नंबर, जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है फ्रॉम 3, मतलब ये जो वैल्यू है इससे अपर वैल्यू होगी एन की. ये अगर 2 है तो इसकी वैल्यू एन की क्या होगी, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. जो बाल्मर सीरीज है उसमें देखिए स्पेक्ट्रल, इट इज अ सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. यहाँ पे देखिए स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही हैं जिसमें जो डिस्टेंस है आपको मिलेगा, ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज डिक्रीजेस जैसे जैसे कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी. अगर हम आगे आगे देखेंगे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे देखिए जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है इसमें जो डिस्टेंस है लाइंस में ये डिक्रीज करता जाएगा, और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये जो लाइन स्पेक्ट्रा है ये डिफ्रेंशिएट करना डिफिकल्ट हो जाएगा. कुछ पॉइंट्स हैं, एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी या फिर लोअर वेवलेंथ, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो कन्वर्ज टू अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, मैंने बोला था कि जो लाइन स्पेक्ट्रा है उसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा, तो हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलेगा. मीन्स के शेडेड रीजन, जैसे कि यहाँ पे हम ये शेडेड रीजन बता दें, इसमें हम आपको मतलब लाइन्स इतनी क्लोज आ जाएंगे कि हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. द अदर टू सीरीज, हमने बाल्मर सीरीज के बारे में पढ़ा. जो दूसरी सीरीज थी आपने डायग्राम में भी देखा, लाइमन सीरीज है जो यूवी रीजन में दिखाई गई, पास्चन सीरीज है जो कि आईआर रीजन में पाई गई है. इट कैन बी शोन इन एनी स्पेक्ट्रा सच दैट वेव नंबर्स ऑफ ऑब्जर्व स्पेक्ट्रल लाइंस. इन केस ऑफ हाइड्रोजन न्यू स्पेक्ट्रल सीरीज प्रिडिक्टेड बाय दिस फॉर्मूला 1/m² अपॉन -1/n².
वेयर एम एंड एन एनी इंटीजर वैल्यूज, जहां हमने लास्ट इक्वेशन में देखे यहाँ पे बाल्मर सीरीज के लिए एम की वैल्यू 2 थी और एम इज कॉन्स्टेंट फॉर एनी गिवन मास. इसके बेसिस पे जो क्लासिकल फिजिक्स है, द एटॉमिक स्पेक्ट्रा वॉज अज्यूम टू बी कंसिस्टिंग ऑफ अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा. इसके रिगार्डिंग हम आगे डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में. अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बाय यूजिंग बोहर्स थ्योरी, बोहर्स थ्योरी को यूज करेंगे. बोहर्स थ्योरी इज यूजफुल इन कैलकुलेटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन. इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, दो एनर्जी लेवल्स को डिस्कस करेंगे, उसके बीच में जो फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करेंगे. सपोज कीजिए जो E1 है इट इज द इनर मतलब लोअर ऑर्बिट और E2 इट इज एनी हायर एनर्जी ऑर्बिट है एंड आउटर ऑर्बिट हैविंग क्वांटम नंबर्स N1 N2. E1 जो लोअर एनर्जी ऑर्बिट है उसका क्वांटम नंबर N1 है, E2 के लिए N2 है. तो एनर्जी की अभी हमने डेरिवेशन सॉल्व की थी, एनर्जी किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए क्या होती है वो हमने ये पढ़ा था. अगर यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, E1 के लिए भी फाइंड करेंगे, E2 के लिए भी. E1 के लिए यहाँ पे n वैल्यू 1 आएगी, E2 के लिए यहाँ पे n वैल्यू 2. लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे E1 के लिए N1 लिखेंगे और EN2 के लिए N वैल्यू N2 आ जाएगी. तो देखिए E1 मैंने यहाँ पे N1 स्क्वायर लिखा, बाकी सारा सेम, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. E2 के लिए N2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. द अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम द आउटर ऑर्बिट टू द इनर ऑर्बिट, मीन्स जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, N2 से N1 तक करेगा, तो जो उसकी एनर्जी होगी वो उसमें डिफरेंस आएगा. यही एनर्जी का डिफरेंस हम फाइंड करेंगे, जो हायर ऑर्बिट में जो इसका एनर्जी वैल्यू था और जो लोअर में एनर्जी है उसका जब डिफरेंस लेंगे तभी इसमें जो डिफरेंस इन एनर्जी फाइंड करेंगे. तो क्या होगा, E2 माइनस E1 और इसकी वैल्यूज को डिफरेंस लेंगे, इसका डिफरेंस. तो जो कॉन्स्टेंट वैल्यू थी मैंने बाहर लिख दी, बाकी जो वैल्यूज थी मैंने ब्रैकेट में ले ली. और E2 माइनस E1 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी. तो डेल्टा ई इज रिटन बाय E2 माइनस E1 इज रिटन बाय डेल्टा ई, बाकी सारी वैल्यू सेम, दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अभी हमने जब रेडियस एनर्जी फाइंड करी थी उसमें हमने लिखा था mv² / 2 इज इक्वल टू he², जहां पे हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया था. तो यही वैल्यू को यूज करेंगे और हम पुट करेंगे वेव नंबर में. वेव नंबर इट इज डेल्टा E/hc. ये मैंने कहाँ से लिखा, बोहर पोस्टुलेट्स में एक वैल्यू दी गई थी डेल्टा E इज इक्वल टू hc µ bar. यहाँ से न्यू बार क्या आ जाएगा, डेल्टा E/hc. ये मैंने वैल्यू यहाँ पे लिखी, आप कंफ्यूज मत होना. तो यहाँ पे मैंने क्या करा, डेल्टा E की वैल्यू लिख दी और hc से यहाँ पे इसको डिवाइड करा, तो h² क्या बन गया, h³. एंड यहाँ पे एक नई टर्म आ गई c, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. ये जो सारी टर्म है इस सब में अगर आप देखें, फॉर द हाइड्रोजन एटम एच वैल्यू सेम रहेगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट रहेगा, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, प्लैंक कांस्टेंट भी, ये तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी कांस्टेंट, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए मैंने इसको रिप्लेस कर दिया रीडबर्ग कांस्टेंट RHC, क्योंकि सिर्फ चेंज होगा N1 एंड N2. तो इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, RH, विच इज नोन एज रीडबर्ग कॉन्स्टेंट. डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ N1 एंड N2 वी हैव वेरियस सीरीज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा. यहाँ पे देखिए अगर N वैल्यू 1 है और N2 वैल्यू इससे बड़ी होगी, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, उस सीरीज को क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज. इट इज फॉल अंडर UV रीजन. अगर N वैल्यू 2 है एंड N2 इज फर्दर वैल्यू, इट इज नोन एज बाल्मर सीरीज, फॉल अंडर विजिबल रीजन. एंड 1 वैल्यू 3, इट इज नोन एज पास्चन सीरीज, फॉल अंडर IR रीजन. एंड 1 = 4, देन इट इज ब्रैकेट सीरीज, फॉल अंडर IR रीजन. एंड 1 = 5, इट इज नोन एज पी फंड सीरीज, फॉल अंडर IR रीजन. इसको मैंने डायग्राम में भी दिखाया है, आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है, वहीं से मैंने ये ली है. यहाँ पे देखिए लाइमन सीरीज, क्योंकि इसका जो N नंबर था वो 1 है, मतलब लोअर एनर्जी लेवल इसका 1 है, और हायर एनर्जी लेवल अगर 2 हो तो यहाँ से देखिए 2 से हायर एनर्जी लेवल E2 और E1 तक देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है.
या फिर E3 से हो सकती है, E4 से भी हो सकती है, E5, E6, E7 एंड सो ऑन। मतलब कि जो लोअर एनर्जी N1 वैल्यू है वो हमारे पास N=1 होगी, तो वो कौन सी सीरीज होगी? लाइमन सीरीज। अभी हमने ये भी देखा टेबुलर फॉर्म में, क्या N1 मतलब लोअर एनर्जी लेवल अगर 2 हो और हायर एनर्जी लेवल 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन, तो वो कौन सी सीरीज है? बाल्मर सीरीज। देखिए यहाँ पे लोअर एनर्जी लेवल इज 2, 3 to 2 एनर्जी लेवल 4th से लेकर 2nd, 5th से 2nd, 6th, 7th, 8th एंड सो ऑन। और लोअर एनर्जी लेवल यहाँ पे E2 है, तो इट इज नोन एज बाल्मर सीरीज। अगर N1=3 है, मतलब लोअर एनर्जी लेवल यहाँ पे 3 है, तो वो कौन सी सीरीज है? पास्चन। तो यहाँ पे देखिए N3 के लिए यहाँ पे ये जो आएगी वैल्यू, ये आएगी पास्चन सीरीज। दिस इज कॉल्ड पास्चन सीरीज। लोअर एनर्जी लेवल फ्रॉम 4th to 3, 5th to 3rd, 6th to 3rd एंड सो ऑन। मतलब लोअर एनर्जी लेवल इसके लिए क्या होगा? पास्चन सीरीज। लोअर एनर्जी लेवल इज 3। अगर लोअर एनर्जी लेवल 4 हो तो ये कौन सी सीरीज होगी? ब्रैकेट। एंड बाकी जो हायर एनर्जी लेवल होगी वो उससे इंक्रीज करेंगी। देखिए फ्रॉम 6th से 4th तक, 5th से 4th, 6th से 4th, 7th से लेकर 4th तक, मतलब हायर एनर्जी लेवल 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। बट लोअर एनर्जी लेवल रिमेन्स द सेम, N1=4। अगर N1=5 है तो वो कौन सी सीरीज होगी? पी फंड सीरीज। तो वो कहाँ से होगी? लोअर एनर्जी लेवल इसके लिए 5 है और बाकी जो एनर्जी वैल्यूज होंगी वो हायर एनर्जी लेवल्स होंगे। तो यहां से देखिए आपको सेम क्या रखना है, इसकी एन वैल्यू सेम रखनी है और ट्रांजिशन इसके हायर एनर्जी लेवल से आपको दिखाते जाएंगे। इतनी डिफिकल्ट डायग्राम नहीं है। इसके रिगार्डिंग आपकी बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रीजन फॉर इंक्रीज इन द स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी एज N2 इंक्रीजेस। मीन्स यहाँ पे आपने जो डायग्राम देखी थी उसमें देखा था कि जैसे जैसे एन वैल्यू 1, 2, 3 मतलब 2, 3, 4 एंड सो ऑन इंक्रीज करती गई, वैसे वैसे इंक्रीज आया इन द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करती गई। ये रीजन, इसका इसके पीछे क्या रीजन है? अगर इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में है, हायर ऑर्बिट में मतलब हायर एनर्जी लेवल, तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी? जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में पड़ा है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ N2 नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करता जाएगा, क्या होगा? एनर्जी लेवल्स इंक्रीज करते जाएंगे। इट मींस एनर्जी वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। सिंस E1 रिमेन्स कांस्टेंट, E1 मींस लोअर एनर्जी लेवल कांस्टेंट होता है और जो ट्रांजिशन होती है वो हायर एनर्जी लेवल से होती है, E2, E3 एंड सो ऑन। इसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन N2। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिटिकल एनालिसिस एंड लिमिटेशन ऑफ बोहर्स थ्योरी। बोहर्स थ्योरी इट इज वेरी यूजफुल टू गिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द एटम, बट इसके बावजूद कुछ जो इसमें थी खामियां थी। लेकिन हमसे हम बोहर्स थ्योरी से क्या क्या सीखे? अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन देखा, रिडबर्ग कॉन्स्टेंट के बारे में पढ़ा, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये हम बताएंगे आगे भी यहाँ पे क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज द एटम। आयोनाइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आयन। किसी भी एटम को आयन बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसकी डेफिनेशन क्या है कि कोई कितनी वैल्यू ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑर्बिट। किसी भी एटम में आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, इट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। इट इज डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N=1 स्टेट टू इन्फिनिटी, लीविंग इट विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी। ये थोड़ी टिपिकल डेफिनेशन है, आप इजी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, इट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन एटम में से जो इलेक्ट्रॉन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको रिमूव करवाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, इट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी।
तो अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एन हाइड्रोजन एटम, इट इज एवोगैड्रो नंबर ऑफ एच सी न्यू. हमने पढ़ा है डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी न्यू बार. इट इज मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻³³ एच इज कॉन्स्टेंट, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट हमने वैल्यू पुट कर दी, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट हमने वैल्यू पुट कर दी, न्यू बार इट इज द इक्वल टू रीडबर्ग कॉन्स्टेंट 1.097 × 10⁻⁷. जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा मेरे पास आ गया 131.2 × 10⁴. अभी मैंने 10�³ में चेंज किया तो आ गया 1312 × 10�³ जूल पर मोल. अगर हमें पता है 1 kJ इज इक्वल टू 10�³ जूल, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 kJ. तो मेरे पास दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ बोहर थ्योरी. फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी जीरो. मीन्स जो एंगुलर मोमेंटम है इट इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई 2 pi यूनिट्स. बट लेटेस्ट स्टडी में ये डिस्कस किया गया कि जब n इज इक्वल्स टू 1 स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, तो उसमें इलेक्ट्रॉन हैविंग एंगुलर मोमेंटम जीरो. तो यहाँ पे इसकी लिमिटेशन आ गई कि एंगुलर मोमेंटम जीरो हो सकता है. द हाइपर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट वेल एक्सप्लेन्ड. वेल एक्सप्लेन नहीं था. बोहर थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स. मीन्स जो अभी तक बोहर थ्योरी ने यूज़ किया है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट फाइंड किया, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट, ये सब फाइंड करे वो हाइड्रोजन एटम के लिए जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है. लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यूज क्या होंगी वो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया. दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म टू फ्रॉम द एटम्स. मीन्स एटम्स को कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स कैसे बने ये भी यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया. इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी है इट हैव बोथ नेचर पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर. लेकिन यहाँ पे वेव नेचर को डिस्कस नहीं किया गया, सिर्फ पार्टिकल नेचर को डिस्कस किया गया. अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ऑर्बिट विच इज नोन एज स्टेशनरी स्टेट. द पाथ ऑफ दिस ऑर्बिट कैन नोन ओनली इफ, मतलब अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी ये बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है इन पर्टिकुलर स्टेशनरी स्टेट्स में. लेकिन अगर ऐसा है तो बोथ द पोजीशन एंड वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी एंड पोजीशन हम साइमल्टेनियसली फाइंड कर सकते हैं. लेकिन ये अजम्पशन बाद में गलत साबित की गई अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली. डी ब्रॉगली के द्वारा बताया गया कि हम किसी भी पार्टिकल के लिए बोथ द वैल्यूज पोजिशन एज वेल एज वेलोसिटी साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते. उसके बाद इसी मॉडल को, बोहर मॉडल को मॉडिफाई किया गया बाय सोमरफेल्ड. सोमरफेल्ड मॉडिफिकेशन में हम पढ़ेंगे कि कौन सी वैल्यूज, कौन से पोस्टुलेट्स को चेंज किया गया. इट मॉडिफाइज बोहर थ्योरी एंड ट्राई टू इंटरप्रेट द फाइन स्ट्रक्चर इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन. क्योंकि अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि जो एटम का जो शेप है वो सर्कुलर शेप है, लेकिन सोमरफेल्ड के द्वारा बताया गया कि प्रॉपर सर्कल नहीं है, उसका शेप इलिप्टिकल है. मींस जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करता है. इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट्स द न्यूक्लियस वॉज एज्यूम टू प्रेजेंट एट द वन ऑफ द फोकाई. मीन्स आपको पता है आपको इलिप्टिकल शेप के बारे में पता है, फोकाई मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस हमने पढ़े हुए हैं इन द लोअर क्लासेस. तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है हमने अब तक पढ़ा था कि वो सर्कल है और एटम इज अ सर्कल, तो उसके सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में एटम पड़ा, न्यूक्लियस पड़ा है. लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, तो उसके एक फोकाई, दोनों फोकाई में से एक फोकाई में जो न्यूक्लियस है वो पड़ा हुआ. यहाँ पे देखिए डायग्राम के द्वारा बताया गया है. यहाँ पे देखिए जो इलिप्टिकल शेप है इसके किसी भी एक फोकाई में न्यूक्लियस लोकेटेड है.
यहाँ पे आप भी, आपको अगर याद नहीं है तो हम रिवाइज कर लेते हैं. इट इज अ एलिप्टिकल शेप जिसमें दो फोकल पॉइंट्स होते हैं F1 एंड F2, और उसमें जो डिस्टेंस है सर्कमफ्रांस का, अगर लोअर डिस्टेंस जो होता है उसे हम माइनर एक्सिस बोलते हैं, जो ये लॉन्ग डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं मेजर एक्सिस. तो दीज पॉइंट्स आर नोन एज पॉइंट्स ऑफ माइनर एंड मेजर एक्सिस आर नोन एज वर्टेक्स. इन एन एलिप्टिकल शेप बोथ द रेडियस एज वेल एज एंगल बोथ वैल्यू कैन बी चेंज. यहाँ पे डायग्राम के द्वारा बताया गया है कि शेप बोथ द रेडियस, यहाँ पे देखिए रेडियस, क्योंकि जो सर्कल है उसमें रेडियस सारे पॉइंट्स पे सेम रहता है, लेकिन एलिप्टिकल शेप में ऐसा नहीं है. इसका मतलब इसका रेडियस भी चेंज करता जाएगा और थीटा वैल्यू एंगल भी चेंज होता जाएगा. इन दिस ऑर्बिट मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब बाय कंसीडरिंग रेडियल क्वांटम नंबर. तो हम इसमें नई वैल्यू डाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सोमरफेल्ड एन आर. दिस इज द रेडियल क्वांटम नंबर. एन इज एनी क्वांटम नंबर, तो हमें क्योंकि इसमें रेडियस चेंज होता है तो हमें कौन सा वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, आर रेडियल पार्ट. एंड उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय के. दिस क्वांटम नंबर आर रिलेटेड टू द बोहर क्वांटम नंबर एन. बोहर क्वांटम नंबर के द्वारा यहाँ पे अगर हम रिलेशन फाइंड करेंगे जो बोहर सोमरफेल्ड ने बताया था, एन इज इक्वल टू रेडियल पार्ट प्लस एजीमुथल पार्ट. दिस इज द टोटल. टोटल क्या है? बोहर क्वांटम नंबर. दीज क्वांटम नंबर आर रिलेटेड. अब इनका जो रेशियो होगा इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस. मीन्स एन रेशियो ऑफ एन एंड के इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस लेंथ. एग्जाम्पल देखेंगे. सपोज कीजिए एन वैल्यू जो है वो 4 है, तो के क्या होगी? 1, 2, 3, 4. एन बाय के वैल्यू 4 by 1 या 4 by 2, 4 by 3 या 4 by 4 होगी. एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, रेडियल पार्ट की बात कर ली. अभी अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी की वैल्यू क्या दी गई? सारी वैल्यू सेम होगी लेकिन यहाँ पे एन वैल्यू को डिस्क्राइब किया गया, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा था एन स्क्वायर. एन स्क्वायर एन की वैल्यू क्या है? के प्लस एन आर. यहाँ पे जस्ट ये वैल्यू सब्सिट्यूट की गई जिसमें ये थोड़ा सा वैल्यू, एनर्जी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बाय मॉडिफाई द बोहर्स एटॉमिक थ्योरी. अकॉर्डिंग टू सोमरफेल्ड मॉडिफिकेशन एग्जिस्टेंस ऑफ सब एनर्जी लेवल्स. सोमरफेल्ड ने बताया कि जो एनर्जी लेवल्स हैं उसके भी आगे वो डिवाइडेड हैं फर्दर बाय सब एनर्जी लेवल्स इन ईच प्रिंसिपल एनर्जी. उनकी एनर्जी भी पर्टिकुलर है. इट वॉज पॉसिबल द प्रेजेंस ऑफ दीज एक्स्ट्रा एलिप्टिकल ऑर्बिट्स. मीन्स एक्स्ट्रा मीन्स जो सब एनर्जी लेवल्स हैं दे डिफर स्लाइटली फ्रॉम अदर इन एनर्जी कैन डिस्क्राइब फॉर एक्स्ट्रा लाइन्स इन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम. मतलब ये हमें उसे कैसे पता चला था कि सब एनर्जी लेवल्स भी पॉसिबल हैं? क्योंकि जो लाइन स्पेक्ट्रा था उस लाइन स्पेक्ट्रा में जो एक्स्ट्रा लाइन्स थी वो ये डिस्क्राइब कर रही थी कि जो एनर्जी लेवल्स हैं इन अ पर्टिकुलर एटम उस इट इज फर्दर डिवाइडेड बाय सब एनर्जी लेवल्स. एजीमुथल क्वांटम नंबर जो अभी तक के था उसे मॉडिफाई किया गया बाय स्मॉल एल, और ये एल की वैल्यू फ्रॉम 0 अप टू एन माइनस 1. मतलब अगर एन वैल्यू सपोज कीजिए 2 है तो एल वैल्यू क्या होगी? 0 से स्टार्ट करेंगे. 0, 1, मतलब एन से 1 वैल्यू कम, 0 एंड 1 होगी. 3 के लिए क्या होगी? 0, 1, 2. 5 के लिए क्या होगी? 0, 1, 2, 3, 4. द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन एटम्स आर प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इट इज नोन एज ज़ीमन इफेक्ट. मीन्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि अगर कोई भी एटम उसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो एक स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा, लाइन स्पेक्ट्रा. उस इफेक्ट को बोलते हैं ज़ीमन इफेक्ट. आपकी बुक में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5A. इफ एन इज इक्वल टू 3 वट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल. एन अगर 3 है तो एल वैल्यू क्या होती है? फ्रॉम 0 अप टू एन माइनस 1. 0, 1, 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एल इज इक्वल टू 2 वट आर द वैल्यूज ऑफ एम एल. एम एल इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एल पे. इसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस एल अप टू 0 अप टू प्लस एल. तो एल अगर 2 है तो इसकी वैल्यू कहाँ कब तक हो कहाँ तक होगी? माइनस टू से लेकर प्लस टू तक. -2, -1, 0, +1, +2. मीन्स इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एल पे. माइनस एल अप टू प्लस एल. तो
ये थी आपके जो बुक में है, हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, लेकिन यहाँ पे कुछ टॉप पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं। एप्सिलॉन वैल्यू आप याद रखिएगा, 8.854 इंटू 10^-12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रिडबर्ग कांस्टेंट RH, इसकी वैल्यू याद रखिएगा 1.09 0.97 × 10^7 मीटर इनवर्स। आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एनर्जी वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। मीन्स इसमें जेड इज इक्वल्स टू वन हो, जेड तो वन ही होगा। आपको एक वैल्यू फाइंड करनी है एन इज इक्वल्स टू 3 लेकर, दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है एन इज इक्वल्स टू 4 लेके। फ्रॉम एक्सप्रेशन फाइंड आर एच वैल्यू, इसमें हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि आर हाइड्रोजन के लिए वैल्यू फाइंड करनी है, एच हाइड्रोजन के लिए, तो इसमें 1 आ जाएगा एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे बाकी सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। आप फाइंड इसमें वैल्यूज पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये हमने वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था, फाइंड आर एच वैल्यू। एंड नेक्स्ट इज एक्सप्लेन बोह्स पोस्टुलेट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने जो पोस्टुलेट्स डिस्कस किए हैं वो सारे पॉइंट्स आपने अच्छे से याद करने हैं, ये कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो इसी के साथ हमने ये यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। इन ये क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको समझ आ गया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।